अस्सलाम वालेकुम। चलिए मेरे बच्चों, हमने इस कविता को सुना। इसका नाम है जीवन सुंदर करो। अब इस कविता में शायर कवि शैल नाइक क्या कहना चाहते हैं, हम उनके विचार, उनके तस्वर, उनके ख्यालात को हम सुनते हैं। मैं आपको एक एक मिसरा पढ़कर सुनाऊंगा और फिर उसकी हम तशरी तफसील से देखेंगे। आप जो मेरे बच्चों अपनी किताबें साथ में लेके बैठिए और जो भी मुश्किल अल्फाज है उसके मायने आप पेंसिल से लिख सकते हो या फिर बगौर आप समाप्त कर सकते हो। देखिए पहला मिसरा क्या था कि मानवतेचा विचारांचा वस मनी हो धरू जीवन सुंदर करू बड़ानो जीवन सुंदर करू, है ना। कवि पहले मिसरे में क्या कह रहे हैं, मानवतेचा, मानवतेचा से मुराद क्या, इंसानियत, और विचारांचा यानी सोच, इंसानियत पहले हमारी सोच ये रखो कि हम हमारे अंदर इंसानियत हो। हाँ, सबसे पहले हम इंसान बने, बाद में दूसरा मजहब के लोग। तो वसा यानी क्या, वसा यानी अहद करना, एक ऐसा इरादा कर लो, अहद कर लो कि भाई पहले मुझे इंसानियत को जानना है, समझना है, पहले मुझे इंसान बनना है, बाद में हिंदू मुसलमान। जीवन सुंदर करो गड़ानो, जीवन सुंदर करो यानी जिंदगी खूबसूरत बनाओ, जिंदगी बेहतर बनाओ। दूसरा है झटकुन डाकू आड़स सारा चैतन्य जागवे पहाट वाला, झटकुन डाकू मैं निकाल डालो सब अपने अंदर का, जो झटकुन डाकू आड़स, आड़स यानी आलसी बना, काहिली, ये सब मैं निकाल डालू, और चैतन्य जागवे पहाट वाला यानी हर तरफ चैतन्य यानी हर तरफ खुशियों का माहौल, हर तरफ सुबह शाम खुशियों का माहौल हो, मैं हमेशा खुश रहूं, लोगों को भी खुशी खुश देखू। हाँ, रोज पहाटे लौकर उठूनी ज्ञान सागरी फिरू, मैं रोजाना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूं, जल्दी उठूं और ज्ञान सागरी फिरू, ज्ञान सागरी फिरू, ज्ञान सागरी से मुराद क्या, इल्म का खजाना, जहां पर इल्म का इल्म मिलता हो, जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है, स्कूल है, स्कूल की किताबें, हाँ अच्छे लोग हैं, इनके साथ घूमू फिर। जीवन सुंदर करू गणनो, जीवन सुंदर करो। नेक्स्ट, ग्रंथ गुरुची संगत ठेऊ ज्ञान झरांचे पानी पीऊ, ग्रंथ गुरुची यानी क्या, ग्रंथ यानी किताब, किताबें, किताबों की संगत, किताबों की संगत में रहना यानी किताबें साथ में रखना और पढ़ना हमेशा, जो तो मुताले करने की आदत डालना इस तरह। और ज्ञान झरन से पानी पियो यानी क्या, ज्ञान झरन से मुराद क्या, इल्म का झरना यानी जहाँ इल्म मिलता हो, जैसे स्कूल है, मदरसा है, यहाँ पर मैं जो तो अपना काम करूँ और इल्म ज्यादा से ज्यादा हासिल करूँ। होन गेले अनेक महात्मे मार्ग त्यांचा अनुसरू, होन गेले अनेक महात्मे यानी हमारे जो हमसे पहले के जो लोग गए, आदर्श हम जिसे मानते हैं यानी हम जिसे अपना गुरु मानते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, जिनकी बातों से, जिनके कामों पर हम अमल करते हैं, ऐसे लोगों को उनके कामों को सामने रखकर जो तो उनके अच्छे आदतों पर अमल करना, ये मकसद। जीवन सुंदर करो गणेश, जीवन सुंदर करो यानी जिंदगी बेहतर करो, जिंदगी खूबसूरत बनाओ, सुंदर करो। संकटे यथा करू सामना धैर्य देव या अपने मन, हाँ संकटे ये था, संकट से मुराद क्या, परेशानी, परेशानी आती रहती है, और धैर्य यानी क्या, हिम्मत, हमें हिम्मत से काम लेना है, मन यानी दिल, हमें अपने दिल को परेशानियों से डरना नहीं है बल्कि हिम्मत से उसका मुकाबला करना है। और जीवनाचा हाँ, तो प्यारे बच्चों संकट परेशानी आती है जिंदगी में, तो हमें उसका सामना करना है बल्कि उससे पीछे नहीं हटना, उससे डरना नहीं है, है ना। और जीवनाचा ध्येय पासून कभी ना मांगे सरू, हमें पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है, ध्येय पासून यानी जो हमारा मकसद है उसको पाने के लिए हमें चलना है, आगे बढ़ना है। नेक्स्ट है नवे युगाचे ज्ञान वाढू अपना अपुले जीवन घड़ू, और मैं नए जमाने का इल्म भी बढ़ाना है हमें और साथ साथ चलना है, जैसे जमाना भी है, टेक्निकल जमाना है, फैंसी दौर है तो कंप्यूटराइज दौर है, तो ये दौर को दौर के साथ साथ चलना है, बराबरी से चलना है और हर एक चीज का इल्म लेना है, इल्म खजाना हमारे अंदर पैदा करना है, करना है। कर्तृत्व ने अपन सारे भारत भूषण ठहरू, और इसी तरह कर्तृत्व ने, कर्तृत्व ने क्या, काम, हमारे काम से, हमारे फर्ज से हमें जो है तो पीछे नहीं हटना है, हमारे फर्ज को पूरा ईमानदारी से जो है तो करना है, और भारत भूषण यानी जो भारत के लिए अच्छे काम करना, भारत भूषण ठहरना यानी भारत के लिए अच्छे काम करना हमारे देश के लिए। जीवन सुंदर करो गड़ानो, जीवन सुंदर करो, जिंदगी बेहतर करो, जिंदगी बेहतर, यही यहाँ पर जो है तो हमारे शैल नाइक इस कविता के शायद हमें ये मैसेज, ये संदेश देना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई, ठीक है।